नागपुर शहर के भाजपा शहर उपाध्यक्ष दिलीप गौर जी का जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया गया। सफलतापूर्वक लगातार 4 बार उत्तर नागपुर का अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद शहर उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। दिलीप गौर जी का कहना है कि महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह नागपुर शहर के विकास कार्य में असफलता प्राप्त की है, वही महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नागपुर शहर के विकास कार्यों में नई गति मिली। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे अध्यक्ष करके बनाया, उसके बाद मैंने अपने कार्यों की जब शुरुआत की तो सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के इस संगठन की अच्छी बांधनी करी। सारे बूथों का संगठन जो मजबूत नहीं था, पहले कुछ लोग ऐसा है कि सिर्फ कागज़ पे बूथ बने हुए थे, जिसको हमने पूरे तरीके से बूथ को अच्छी बांधनी करी। उसके बाद सारे कार्यकर्ता सारे आघाड़ियों को लेकर के अच्छा कार्य किया और अच्छा एक संगठन खड़ा किया, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर नागपुर में 2017 में 12 नगर से चुन करके आए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 वर्षों से यानी 15 वर्षों से सिर्फ 2 नगर सेवक और 1.5 नगर सेवक ऐसा करके रहा है। तो मेरे कार्यकाल में 12 नगर सेवक चुन करके आया और सारे कार्यकर्ताओं का मुझे इतना अच्छा सहयोग मिला। कार्यकर्ताओं ने मुझे जो भी काम बताया, कार्यकर्ताओं ने पूरा काम किया, अच्छा किया और पूरी पार्टी के लिए लोग रस्ते पर उतर के काम किए। जो भी पार्टी ने, शहर ने या महाराष्ट्र प्रदेश से भी जो हमको कार्यक्रम दिए जाते थे, जो आंदोलन करना है, जो आघाड़ियों का संगठन लेकर के अपने को आगे बढ़ना है, तो हमने सारे काम को सफलतापूर्वक 4 साल में काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी का मुझे नागपुर शहर का जो उपाध्यक्ष बनाया है और शहर में अब काम करने की एक ये मिली है, मुझे चांस मिला है। तो शहर में कार्य करते समय अभी जिस तरीके से मैं उत्तर नागपुर में सब कार्यकर्ताओं के बीच में रह के काम करता था, अभी शहर का जो दायित्व मिला है, शहर में जहाँ भी हमें आदेश मिलेगा हमारे शहर के अध्यक्ष प्रवीण जी डटके के माध्यम से, हम वहाँ काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को न्याय देने का काम करेंगे। जहाँ पे अड़ी अड़चन है, जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे झुपड़पट्टियों के प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम को लेकर के हम डटके जी के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य करने वाले हैं, झुपड़पट्टी को न्याय देने वाले हैं। वो महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो तिघाड़ी सरकार बोलो या बिगाड़ी सरकार बोलो उसको, ये सरकार के जितने भी मंत्री या आमदार बने हैं, ये सिर्फ रोप प्रत्यारोप के पीछे ही पड़े हुए हैं कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, पिछली सरकार ने ऐसा किया वैसा किया। इस तरीके से वो सारा जो है बखेड़ा उनके वाद विवाद में ही जा रहा है। अपने जो मुख्यमंत्री हैं माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी कार्य की तरफ कम ध्यान देते हुए आपस के उनके वादी आपस में वाद जो चल रहा है, इस कारण से देश के अंदर, इस राज्य के अंदर में विकास नहीं हो रहा है। हमारे उत्तर नागपुर के अंदर में इसके पहले भी आमदार मिलिंद जी माने रहे, जिन्होंने उत्तर नागपुर के अंदर में जहाँ पे 20-20 वर्षों से एक रोड के ऊपर पथरा नहीं गिरा था, गिट्टी का मुरुम नहीं डाले थे, कुछ नहीं करे थे, उन्होंने वहाँ सीमेंट रोड पहुँचाया, गटर लाइन पहुँचाई, पानी की पीने की लाइन पहुँचाई। पिछले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की सरकार में इस राज्य के अंदर में 4 तरफा विकास हुआ है, लेकिन जो 15 वर्षों से यानी जो सरकार कांग्रेस की रही, उनके समय पे जो कार्य नहीं हुए, वो 5 साल में, जो 15 वर्ष में उन्होंने किया, वो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया। विकास का जो विषय है, वो विकास जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे आमदार है, वो अपने अपने परे से विकास कर रहे हैं, लेकिन आज उत्तर नागपुर के अंदर में अगर हमारा आमदार नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो विरोधी आमदार है हमारे, उनके पास में हमें एक आग्रह की भूमिका निकाल करना पड़ेगा। यदि हमारे वो विनंती के ऊपर में यदि विकास नहीं करते, तो हमें वो विकृत भी दिखानी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2014 से 19 तक थी और 19 के बाद में जो ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार, तिघाड़ी सरकार आगे बोलते हैं, तिघाड़ी बोलते कि बिगाड़ी बोलते हैं मालूम नहीं, ये सरकार के अंतर्गत जब से सरकार बनी है किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। और जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अपने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जितना विकास इधर नागपुर शहर में, नागपुर जिले में, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो देवेंद्र जी ने जो विकास के लिए फंड दिया था, वो फंड के भी काम इन आमदारों ने, इन मंत्रियों ने रुकवा दिए हैं। उसके पीछे का उनका क्या दृष्टिकोण है, वो आप समझ सकते हैं, मुझे खोल के बताने की आवश्यकता नहीं है।